ये रहता कि एवरेज, हम इंडियंस है ना, तो एवरेज के बारे में बताओ ना हमें, जो कितना मिला है एवरेज। यार मेरे को अगर मैं हाई मीटर पे सर्विस है okay. तो 7500 पे चेकअप होता है okay. तो वो है, लेकिन उसको क्लेम करने का प्रोसीजर काफी लंबा है। उसमें पॉलिसी कंफर्टेबल है, इसमें एडजस्टेबल सीट्स नहीं है okay. जो इसके ऊपर वाले वेरिएंट्स में मिल रहा था, बट वो नहीं होने के बावजूद भी अच्छा खासा रोड व्यू मिलता है। आज हम रिव्यू करने वाले हैं नेक्सॉन, ये 2018 का मॉडल है, डीजल वर्जन, और ये 1,00,000 चली है और ये 3 बार टूकी है गाड़ी। और मेरे साथ है मेरे दोस्त अमय, वो ये गाड़ी का रिव्यू देने वाले हैं कि उसका जो 4-5 साल का एक्सपीरियंस है ये गाड़ी के बारे में वो कैसा है, और सर्विस सेंटर का एक्सपीरियंस कैसा है उसके बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि 3 बार गाड़ी इसमें गई है, सर्विस सेंटर में गई है रिपेयर करने के लिए, तो वो टाटा का जो सर्विस एक्सपीरियंस है वो प्रॉपर शेयर कर सकता है। 1,00,000 चली है तो 1,05,000 में बहुत अच्छे किलोमीटर ड्राइव, बहुत ही ज़्यादा किलोमीटर बोल सकते हैं, तो ये अमय जी है वो प्रॉपर हमको बता सकते हैं। इसका माइलेज के बारे में हम बात करेंगे कितना मिलता है, सर्विस कॉस्ट कितना आता है रेगुलर, उसके बारे में कॉस्ट करेंगे। आप ये वीडियो में बने रहना। तो अमय जी मुझे बताओ, ये गाड़ी आपने कितने, कौन से साल में ली थी और कितने में ली थी? ये गाड़ी 2018 में ली थी। 2018 तभी मुझे पड़ी थी 7,80,000 में। उसके प्राइस बहुत ही सस्ती मिली थी अमय जी आपको, 7,00,000 कितना, 80,000 में ना, डीजल वर्जन, वो भी डीजल बेस मॉडल XC। तभी इसका प्राइस कुछ 8.5 लाख रुपए था, तो okay. मैंने मेरा गाड़ी एक एक्सचेंज किया और थोड़ा बहुत नेगोशिएट किया, तो 7-80। वैगनर था उसका, वैगनर कितना मिला था आपको? वो वैगनर का वो टाटा से ही किया था मैंने, वो शोरूम वाले से, तभी 40,000 कुछ उसका। बहुत ही पुराना गाड़ी था एक्चुअली, और उसका हो गया था 15 साल। और एक्सचेंज बोनस कितना मिला था उसमें उस टाइम में? एक्सचेंज बोनस नहीं था कुछ, बिकॉज वो मारुति का गाड़ी था, तो एक्सचेंज बोनस नहीं था कुछ, नहीं प्राइस मिला था 40 40,000। तो ये आपको कितने में? 7,80,000 7,80,000 ओके। तो कैसा जर्नी था ये, आपने 5 साल में आपने गाड़ी चलाई आपने, तो कितने ऐसा कुछ रास्ते में कभी ब्रेकडाउन हुई? नहीं नहीं, रास्ते में ब्रेकडाउन तो कभी नहीं हुई। ओके मैंने वैसे ज़्यादा लंबा तो नहीं चलाया, मैक्सिमम मैं कोल्हापुर और वो सब गया हूँ। ओके बट रास्ते में ब्रेकडाउन और वो सब तो सीन कभी नहीं हुआ, बिकॉज गाड़ी मैंने जितना जो स्टिपुलेटेड है उनका 7,500 का चेकअप और 15,000 का मेन सर्विस। ओके मैंने सर्विस सब करा। तो आपने रेगुलर गाड़ी सर्विस किया है और रेगुलर किलोमीटर्स पे सर्विस किया? ओके और 1,00,000 किलोमीटर में कुछ दिक्कत नहीं आई? नहीं कुछ नहीं, कुछ इशू नहीं है। इंजन रिलेटेड तो कुछ भी नहीं था, गाड़ी रिलेटेड भी कुछ नहीं था, थोड़ा बहुत फिट एंड फिनिश का है। ओके बट वो तो खैर अभी 1,00,000 किलोमीटर चल गया तो उतना तो होता ही है। ठीक है, तो हम वो एक्सीडेंट के बारे में हम बात करेंगे बाद में। तो बहुत जन को है ना ये रहता कि एवरेज, हम इंडियंस है ना, तो एवरेज के बारे में बताओ ना हमें, जो कितना मिला है एवरेज। यार मेरे को अगर मैं हाईवे पे लेके जाता हूँ, एक्सप्रेस हाईवे पे वगैरह, तो मेरे को 25-26 तक तो आराम से दे देते। 25 का एवरेज, 25-26, और सिटी में मेरे को 22-22 का एवरेज तो दे देते। तो कमाल का एवरेज मिल रहा है हमें जी आपको ये गाड़ी में। उसमें है 2-3 मोड्स है, वो काफी इफेक्टिव है। वो मोड के बारे में जरा बताओ ना, क्या है, कुछ बता सकते हैं मोड? मुझे पता है इको मोड है, स्पोर्ट्स मोड है, आप कितने कभी क्या कौन सा मोड? मैं यूजुअली मैं जब हाईवे पे जाता हूँ तो मैं स्पोर्ट्स मोड में चलाता हूँ गाड़ी। ओके एक बार पिकअप लेने के बाद में एक बार स्पीड पकड़ लिया, समझो 100-110 पकड़ लिया, उसके बाद मैं इको मोड में डाल के क्रूज करते रहता हूँ। ओके तो उससे थोड़ा एवरेज में फर्क पड़ता है, बिकॉज काफी उसमें पावर और फ्यूल कंजम्पशन चेंज होता है, फील होता है फिजिकली। ओके वो तो होता है। सिटी मोड तो खैर वो दोनों के बीच का है, वो मैं ज्यादा यूज नहीं करता, बट इको मोड और स्पोर्ट्स मोड में जनरली यूज करता हूं। ओके और इसका आपको अपने अभी 5 साल में टाटा के यहाँ पे सर्विस सेंटर में आप सर्विस करते हो, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? टाटा का नवी मुंबई में तुर्वे में एक सर्विस सेंटर है okay. ऑटो कार्ट करके, मैं पहले से वहीं पे करा रहा हूँ। ओके तो एक्सपीरियंस तो काफी अच्छा है, मतलब ज्यादा जो आप प्रॉब्लम बताते हैं वो सॉल्व करते हैं, वो सॉल्व हो जाता है। कभी कभी मेरे को थोड़ा फॉलोअप करना पड़ता है, फिट एंड बॉडी शॉप में मेरे को फॉलोअप करना पड़ता है, बट अदरवाइज इंजन और वो सब चीजों में कभी करना नहीं पड़ा। ओके उन्होंने रेकमेंडेड चीजें सारी कर दी, सर्विस बुकलेट में दिखा के फिर वो लोग वो कराते हैं। ओके और एक सवाल है, नॉर्मली कैसा रहता है? मैंने सुना है इसमें ये गाड़ी में है ना जो सर्विस होता है 20,000 किलोमीटर के बाद होता है ना, ऐसा कुछ नहीं? तो इनका सर्विस मैनुअल के हिसाब से 7,500 किलोमीटर पे, हर एक 7,500 किलोमीटर पे सर्विस है। ओके तो 7,500 पे चेकअप होता है। ओके और 15 मतलब उसका नेक्स्ट सर्विस 15,000 पे ऑयल चेंज होता है, ऑयल चेंज सर्विस जो मेन सर्विस वो होता है। ओके और हर एक 30,000 पे मेजर सर्विस होता है, जहाँ पे आपका ऑयल फिल्टर और वो सारी चीजें चेंज ही होती है। ओके
तो ऑयल और जो एयर फिल्टर और सब चेंज होता है 15,000 किलोमीटर ऑयल फिल्टर होता है। और कितना कितना ऑन एन एवरेज कॉस्ट आता है उसका ऑयल जब भी चेकअप सर्विस में तो 4,500 सर्विस का आता है चेकअप के लिए। हाँ चेकअप के लिए उसमें सिर्फ चेकअप होता है 4,500 लेते हैं। हाँ 4,500-4,500 रुपए जाते हैं लेकिन मेरा फ्री वाला नहीं है सर्विस फ्री वाला सर्विस में तो नहीं आता है कुछ। ओके जो पेड सर्विस है वो 4,500-4,500 चेकअप में जाता है। ओके और जो मेन सर्विस होता है जिसमें चीजें चेंज या टॉपअप वगैरह कुछ करनी पड़े तो फिर वो 10,000-11,000 के बीच में होता है डिपेंडिंग ऑन की कितना उसका सर्विस पड़ रहा है क्या पड़ रहा है कितनी चीजें चेंज हो रही है। अभी मैंने रिसेंटली 90,000 वाला कराया था जो मेरा 97 पे गया था मैंने बीच में थोड़ा मेरा साइकिल थोड़ा मिस हो गया था तो वहाँ पे मैंने सर्विस कराई थी तो मेरे को 14,000 रुपये खर्चा हुआ था बिकॉज उसमें थोड़ा बहुत इंजन टेंशनर और वो सारा काम होता है इतने किलोमीटर्स के बाद। ओके और जो आपका गाड़ी 3 बार ठुकी है एक्सीडेंट हुए थे उसके बारे में कुछ एक्सपीरियंस शेयर करो कि जिससे सामने वालों को इनके उनकी गाड़ी ठुकती है इमरजेंसी में तो उसने क्या क्या एक्शंस आपने लिए तभी। तो यार देखो हाँ। मेरा 3 बार मतलब ये हुआ था कि एक बार तो मेरे सामने से गाड़ी ठुक गई तो वो तो मेरी ही गलती थी। ओके तो वो टाइम पे मैंने सर्विस सेंटर से मतलब ज्यादा डैमेज तो था नहीं काफी मतलब सामने वाली गाड़ी का काफी डैमेज हुआ था। तो सामने वाली गाड़ी कौन सी थी? वो सियाज थी। वो सियाज का पीछे का वो पूरा दब गया था अंदर। आपका कुछ उसका फुटेज है आपके पास अभी? फोटोज मैं देखता हूँ फोटोज रहेगा तो आपके साथ शेयर करता हूँ मैं। ओके फिर वो सामने बोनेट पे थोड़ा वो था डैमेज था बट अदरवाइज तो गाड़ी में कुछ इशू नहीं हुआ था। नंबर प्लेट टूट गया था और बोनेट पे थोड़ा इशू था। ओके सेकंड मेरी गाड़ी टूटी थी पीछे से जब हाईवे पे थोड़ा बैक साइड से इमरजेंसी ब्रेकिंग की थी तो वो टाइम पे पीछे से आके एक ऑल्टो ने ठोक दिया था तो वो भी मैंने करा लिया था। वो सारा बॉडी डैमेज ही था उसमें ज्यादा कुछ था नहीं लेकिन ऐसा अभी है ना ऐसा देखता हूँ ओवरऑल ऐसा लग रहा है ना गाड़ी की एक्सीडेंटल है। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये पार्ट चेंज नहीं हुआ था यहाँ पे थोड़ा बहुत आप उसका मार्क्स देख सकते हो जरा से है। हाँ, लेकिन ये मेजर ये इस पे हुआ था इसमें डेंट था वो मैंने चेंज करा लिया। ये पूरा बोनेट चेंज हुआ था क्या उसने क्या किया? नहीं ये डोर रीपेंट हुआ था रीपेंट हुआ था ये पैनल रीपेंट हुआ था। ओके तो वो बॉडी शॉप में उन्होंने निकाल के रीपेंटिंग करा के दिया था। ओके उसमें हो रहा था वो। ओके थर्ड मेरा जो था वो यहाँ पे जो डोर था जो जो ट्रक के साथ हुआ था उसके बारे में बताओ ना। वो ये जो डोर था उसके साथ हुआ था। हाँ तो मैं सिग्नल पे रुका हुआ था मैं टर्न ले रहा था। ओके और एक ट्रक ने साइड से आके वो अंदर घुस गया था वो काफी डेडली था। ओके तो वो अंदर घुस गया था तो पूरा यहाँ से ये जो डोर था यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक पूरा डोर अंदर चला गया था। ये ग्लास टूट गया था ये मिरर निकल गया था। ओके ये पैनल थोड़ा डिसलोकेट हुआ था। ओके बस वही था तो वो फिर मैंने इमीडिएटली फिर वो ट्रक वाले को मैंने साइड में रोक के उनसे उनका जो भी इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट्स था उनके जो रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स थे वो सारे उनसे लिए थे। उनका क्या वीडियो बना के रखा था आपने? हाँ तो लेकिन वो ऑन साइट उनके पास वो सब था नहीं डॉक्यूमेंट्स तो फिर उन्होंने ऑफिस से उनसे मंगवा के मेरे को दिखाए और वो सारा किया। फिर मैंने उनका एक वीडियो बना के रखा था कि क्या एक्चुअल इंसिडेंट हुआ है बिकॉज बाद में अगर मेरे को क्लेम करना है कुछ FIR वगैरह करना है तो फिर वो पता होना चाहिए कि कैसे इंसिडेंट हुआ है क्या हुआ है और बाद में वो ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट में नहीं जाना चाहिए कि ड्राइवर बाद में मना कर दे कि भाई ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था करेक, मेरी गलती नहीं थी या जो भी था। इसलिए मैंने उनका एक वीडियो बना के रखा था। ओके जो कि ऐसा कुछ नहीं था कि मैंने कुछ जबरदस्ती वीडियो बनवाया था। ड्राइवर से मैंने पूछ के वीडियो बनवाया था अगर चाहिए तो हम शेयर कर सकते। ओके फिर बाद में वो मैंने पता करा था इंश्योरेंस उसका क्लेम करने का क्या प्रोसीजर है तो वो काफी लंबा चौड़ा प्रोसीजर हो रहा था कि उसका पहले FIR करना पड़ेगा फिर वो FIR का फिर वो इंश्योरेंस उनका इंश्योरेंस कंपनी आके आपका सर्वे वो थर्ड पार्टी के लिए आप बोल रहे हैं ना। हाँ थर्ड पार्टी के लिए तो वो सर्वे करेंगे फिर वो अगर क्लेम अगर आपका ओके होता है तो फिर आपको मिलेगा तब तक गाड़ी का काम नहीं हो पाएगा। ये सारी बड़ी सारी चीजें थी तो मैंने तो ये इनके साथ बोले आप इनके साथ की गाड़ी का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस रहता था तो ये सब लंबा प्रोसेस करना पड़ता था आपको राइट। अगर मुझे वो जो ट्रक ने जिसने ठोका था उसका इंश्योरेंस अगर थर्ड पार्टी मुझे क्लेम करना होता मतलब उसके इंश्योरेंस इनके साथ ही आपका फर्स्ट पार्टी है इसलिए आपका हो गया काम। इनके साथ का थर्ड पार्टी होता तो ये सब प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ता है और ये बहुत लेंदी प्रोसेस है। लोग है ना 2,500 बचाने के लिए है ना थर्ड पार्टी इंश्योरेंस निकालते हैं और ये जब एक्सीडेंट होता है ना बहुत दिक्कत में आता है बहुत दिक्कत होता है क्योंकि वो नहीं एक तो ये है कि देखो जैसे अभी वो ट्रक वाले के पास अगर इंश्योरेंस नहीं होता अभी इंश्योरेंस है उसके पास थर्ड पार्टी तो मेरे पास ये चांस था कि जो भी मेरा नुकसान हो गया वो मैं उसे ले सकूं करेक्ट और उसकी जेब से भी नहीं जाएगा तो करेक्ट वो जो भी होता है। लेकिन अगर वो नहीं होता थर्ड पार्टी इंश्योरेंस तो फिर प्रॉब्लम होती है और वैसे भी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस तो लीगली यू कांट मतलब आप ड्राइव नहीं कर सकते थर्ड पार्टी तो वो है लेकिन उसको क्लेम करने का प्रोसीजर काफी लंबा है।
उसमें पुलिस एफआईआर और वो सारी चीजें इन्वॉल्व, पुलिस एफआईआर करना पड़ता है। और पहला तो प्रोसीजर है कि आपको आपका डॉक्यूमेंटेशन साइट पे करना पड़ेगा जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, वहाँ कि क्या हुआ है, क्या सिचुएशन क्या है, जितना आप कर सकते हो उतना करो। फिर पुलिस में जाके वो सारा आप दिखा के, जो भी नियरेस्ट ट्रैफिक चौकी जो भी रहता है वहाँ पे जाके आप एफआईआर रजिस्टर करो कि ऐसा ऐसा इंसिडेंट हुआ है। फिर वो एफआईआर का कॉपी लेके आपको इंश्योरेंस कंपनी में सबमिट करना होता है। फिर वो आगे का जो था मेरा एजेंट वो संभालने वाला था, तो उसमें ये होता है कि एफआईआर वो सबमिट करने के बाद में इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से एक इंस्पेक्टर आता है जो इन्वेस्टिगेट करता है कि एक्चुअली इंसिडेंट क्या था, कैसे था, और उसके रिपोर्ट पे ये डिपेंडेंट होता है कि आपको थर्ड पार्टी क्लेम मिलेगा या कितना मिलेगा। तो ध्यान में रखना हम इंडिया में रह रहे हैं, ठीक है, तो ये आपको प्रोसेस से नहीं गुजरना होगा, जाना होगा। तो बेस्ट वे आप गाड़ी का फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस निकालो, दैट इज अ बेस्ट। तो आपका जो फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस हुआ तो आपका, तो फिर मैंने वही ऑप्ट किया कि मैं वो थर्ड पार्टी ना क्लेम करूं, बिकॉज इतना सारा लंबा प्रोसीजर है, उसमें मेरी गाड़ी खड़ी रहती, मेरे को तो दो तीन दिन भी गाड़ी नहीं होती तो मेरा काम नहीं चलता, तो गाड़ी खड़ी रहती है। दूसरी बात यह है कि उसका भरोसा नहीं है कितना मिलेगा क्या मिलेगा, फिर पुलिस प्रोसीजर पे इन्वॉल्व है। तो मैंने ये ऑप्ट किया कि मैं अपना खुद का इंश्योरेंस क्लेम करके, फर्स्ट पार्टी क्लेम करके, बिकॉज तभी तक काफ़ी किलोमीटर्स मेरे ख्याल से कुछ 60-70,000 किलोमीटर्स तभी तक हो गए। ओके, तो मैंने सोचा वो फर्स्ट पार्टी क्लेम करके मैं अपना काम करा लेता। ओके, तो ये आपका कितना दिन लगा ये पूरा डोर का, इसका डोर का, ये डोर पैनल पूरा रिप्लेस हुआ था, ये ग्लास रिप्लेस हुआ बिकॉज ये तो टूट गया था। okay. ये डोर पैनल भी रिप्लेस हुआ। okay. अंदर का एक हिंज था वो खराब हो गया था, वो रिप्लेस हो गया। uh-huh. और ये मिरर तो वही था जो है, वही वापस उन्होंने डाल दिया। okay. ये इतना, और यहाँ पे थोड़ा ये वाला पैनल में भी थोड़ा इशू था, वो उन्होंने रिपेंट करके दिया, उसके ऊपर वापस से स्क्रैचेस और वो सब हो गया। okay. तो ये करने के लिए, हाँ, प्लस उसमें ये भी हुआ था, ये जो मेरा ये जो बम्पर है ये भी निकल गया था, ये भी रिप्लेस हुआ पूरा। ओके, और उसी में जो ये वाला इसके ऊपर जो डेंट है वो भी मेरा काम उसी में हो गया। तो ये करने के लिए मेरे को उन्होंने गाड़ी 6 दिन सर्विस सेंटर में रखी। 6 दिन? हाँ, 6 दिन, बिकॉज वो 6 दिन में ये था, मतलब उनकी तरफ से तो ये बता रहे थे कि डोर का ऑर्डर दिया है, डोर आने में टाइम लग रहा है, सारा टाइम उन्होंने लिया, तो वो थोड़ा मेरे ख्याल से ज़्यादा था, लेकिन मतलब समझ सकते हैं क्योंकि काफ़ी सारा काम था उसमें और वो सर्विस सेंटर भी काफ़ी लोडेड था। इनफैक्ट मैंने जब जाके देखा तो काफ़ी सारी गाड़ियाँ वहाँ पे वेटिंग में खड़ी थी, बिकॉज अभी डाटा का डिमांड उतना बढ़ रहा है, गाड़ी अब उतनी आ रही है, डाटा डिमांड तो बढ़ रहा है, बिल्ड क्वालिटी काफ़ी, वो सर्विस सेंटर में वेटिंग पीरियड सब था, तो वो हिसाब से तो ठीक है, मतलब 6 दिन एक्चुअली ज़्यादा लगा है टाइम, बट उन्होंने काम सब अच्छे से करा के दे दिया। ओके, तो और सीटिंग कंफर्ट कैसा है गाड़ी में? अरे सीटिंग कंफर्ट तो बढ़िया है, बिकॉज वही मैंने जब गाड़ी खरीदी थी तो उसी हिसाब से मैंने खरीदी थी। मैं तभी सोच रहा था टिगोर या टियागो ऐसा कुछ लूँ। करेक्ट, फिर मैं टाटा सर शोरूम में गया तभी मैंने ये गाड़ी भी देखी खड़ी हुई वहाँ पे, ये तभी नई लॉन्च हुई थी, फर्स्ट जनरेशन नेक्स्ट। ओके, ओके, तो मैंने बैठ के देखा, फिर मैंने सोचा यार अब तो यही ले लेते हैं, बिकॉज टिगोर का जो टॉप मॉडल आ रहा था, जो ऑटोमेटिक मॉडल आ रहा था, उसमें और इसके बेस मॉडल में कुछ हार्डली 60-70,000 का। एक बार बैठ के दिखाओ ना गाड़ी पे, एक बार कैसा है एक बार फील करने दो, जरा सा पीछे भी एक बार बिठा के देखो, दिखाओ एक बार कैसा है। तो आप देख सकते हो ये अभी सीटिंग पोजिशन है, तो सीट का जो कुशन है बहुत सॉफ्ट कुशन है और आपको अच्छा एक पोजीशन मिलता है, बिल्कुल कंफर्टेबल है। इसमें एडजस्टेबल सीट्स नहीं है जो इसके ऊपर वाले वेरिएंट में मिल रहा था, बट वो नहीं होने के बावजूद भी अच्छा खासा रोड व्यू मिलता है प्रॉपरली। ओके, और मतलब अच्छा है, थोड़ा हाइट ज्यादा है, रोड से थोड़ा कुशन मिलता है, कड्डे वड्डे से थोड़ा कुशन मिलता है, स्पंजिंग मिलता है, वो है। सिर्फ एक ही दिक्कत ये होती है, ये वाला जो पिलर है, ये थोड़ा सा मोटा है, तो उसको आपको अकस्टम होना पड़ेगा। ओके, 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 ये बहुत बार मेरे को ऐसे थोड़ा यहाँ से देखो वहाँ से देखो ऐसे थोड़ा करना पड़ता है, विजिबिलिटी का ज़रा इशू है, थोड़ा इशू है, बट आप एक बार यूज करने के बाद में आप उसको अकस्टम। एक बार पीछे भी बैठ के दिखाओ ना एक बार कैसा है, तो पीछे भी वो साइड में देखेंगे आपको कितना स्पेस मिलता है, 3 लोग बैठेंगे कि नहीं बैठ सकते गाड़ी में, ना वो भी देख लेंगे एक बार। आप देख सकते हैं आप ये प्रॉपर बैठे हैं, इसका मैं भी बैठा था एक्चुअली, जो सिटिंग पोजीशन है ना बहुत ही कंफर्टेबल है, 3 लोग आराम से बैठ जाते हैं, मतलब यहाँ पे एक बंदा, यहाँ पे एक बंदा, यहाँ पे एक बंदा ऐसे बैठ जाता है। लेकिन अगर आपको लंबा किलोमीटर करना होगा तो 3 एडल्ट्स के लिए कंफर्टेबल नहीं है। okay. 2 एडल्ट्स और 1 छोटे बच्चे के लिए बहुत सही, 3 एडल्ट्स भी जा सकते हैं लेकिन वो थोड़े लंबे जर्नी में फिर आपको ब्रेक्स लेके करना पड़ेगा। और यहाँ पे एसी ब्लोवर नहीं है, इसलिए कोई किसने क्या कुछ कंप्लेंट किया है आपको कि यहाँ पे पीछे कूलिंग नहीं हो रहा है? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं ना, नहीं नहीं, उसका एसी का काफी अच्छा कूलिंग सब है। हाँ। तो पीछे इतनी छोटी गाड़ी में तो मुझे पता नहीं, मैं तो ज्यादा पीछे बैठता नहीं, लेकिन ऐसा किसने कंप्लेंट नहीं किया ना, किसी ने आपसे बिकॉज वो है, ये तो चलो एडेड फीचर होता है तो अच्छा है, लेकिन नहीं है तो गाड़ी कूलिंग हो जाती है तो इशू नहीं। ओके, ठीक है। अभी आप है ना, गाड़ी मैंने चालू किया है, ये आप देख सकते हैं 1.2
लीटर का इंजन है, डीजल 1.5 है, सॉरी 1.5 1.2 पेट्रोल इंजन आता है, ये 1.5 लीटर का डीजल इंजन है। हमें जो बोल रहे थे इसका बैटरी नया डाला है, और ऐसा आप देखेंगे ना इंजन का साउंड एकदम स्मूथ साउंड है, ऐसा अलग कुछ आवाज़ नहीं आ रहा है। यहाँ पे इंजन माउंट कुछ ऐसा कुछ गया आपका? एक्चुअली कुछ नहीं, लेकिन 50,000 पे उन्होंने इंजन रिटेंशन का काम किया। ओके, तो उसके हिसाब से वो अच्छा, वो काम बहुत बार लोग कराते नहीं है, मिस करते हैं। ओके, बिकॉज थोड़ा एक्स्ट्रा खर्चा पड़ जाता है, बट अदरवाइज वो कराना चाहिए, बिकॉज अभी मैं देख रहा हूँ वो सारा जो उन्होंने रेकमेंड किया था वो सारा काम मैंने किया है। हाँ, तो उसके हिसाब से इंजन काफ़ी स्मूथली चल रहा है, काफ़ी उसमें ज़्यादा कुछ इशूज आ नहीं है ना। आवाज़ तो एकदम बहुत प्रॉपर साउंड कर रहा है, ऐसा कुछ अलग अलग आवाज़ नहीं आ रहा है। नॉर्मल 1,00,000 किलोमीटर चलने के बाद है ना, ज़रा सा गाड़ी अलग साउंड करती है, लेकिन एक ये केस में ऐसा कुछ अलग साउंड तो नहीं आ रहा है। मतलब जैसे गाड़ी मैंने नई खरीदी थी वैसे, वो टाइम पे जैसे इंजन चल रहा था वैसे ही अभी भी चल रहा, 1,00,000 किलोमीटर का वैसे ही चल रही है ना? वैसे ही चल रहा है, मतलब मुझे तो ज़्यादा डिफरेंस तो पता नहीं चल रहा, मतलब ना तो आवाज़ में फ़र्क है, हाँ ना चलने ना में, ना तो चलने में कुछ पिकअप में फ़र्क है, ऐसा कुछ कुछ फर्क है। ओके, तो मुझे लग रहा है ये आप 4-5 लाख किलोमीटर तो आराम से चला, तो वही है। अभी मैं गाड़ी के अंदर बैठ रहा हूँ, जो सिटिंग पोजीशन है ना बैठने के लिए एकदम कंफर्टेबल बैठने के लिए पोजीशन मिल जाती है आपको। एसी के बारे में बात करेंगे तो एसी बहुत सही चल रहा है एकदम, तो ब्लोअर का भी जो स्पीड है ना बहुत सही है, मीन्स आप फास्ट करेंगे ना तो आप देख सकते हो सुन सकते हो कितना फास्ट ब्लोअर का आवाज़ आ रहा है। तो एसी का कूलिंग के बारे में कुछ दिक्कत नहीं लग रही है मुझे। अमित जी मुझे बताओ ये गाड़ी का सस्पेंशन का कुछ दिक्कत आई थी आपको अपने क्या कुछ? सस्पेंशन तो अभी तक तो सब ठीक है, बीच में एक बार मेरे ख्याल से कुछ 30,000-40,000 किलोमीटर के आसपास सस्पेंशन बुश का काम हुआ था। ओके, बुश का भी नहीं, मेरे को एक्जैक्टली टेक्निकली नहीं पता वो क्या है, जो माउंट वाला रबर होता है। ओके, वो रबर उन्होंने एक बार चेंज किया था। ओके, अदरवाइज बाकी उसमें इशू कुछ नहीं था, सिर्फ थोड़ी आवाज आ रही थी पीछे वाले सस्पेंशन से, तो मैंने वो एक सर्विस में उनको कंप्लेन किया था, तो उन्होंने वो सारे रबर में कुछ चेंज करवा के दे दिए। ठीक है, और एक हमने एक वीडियो बनाया है जो टायर की दिक्कत आई थी कुछ आफ्टर 35,000 किलोमीटर के बाद आई थी ना आपको, हमें 38,000 पे टायर्स का हुआ था, जो स्टॉक टायर थे वो सिर्फ 38,000 किलोमीटर चले थे। ओके, तो उसमें एक्चुअली उसका अलग सा डेडिकेटेड वीडियो हमने बनाया है, ये आपको आई बटन में दे दूंगा वो उसका लिंक, आप ये वीडियो खत्म होने के बाद आप देख सकते हैं, खाली आई बटन पे क्लिक करो आपके नीचे आपको वो वीडियो दिखाई देगा। ठीक है, और वो पूरा वीडियो देखना कि एग्जैक्टली क्या हुआ उसके बाद में 38,000 किलोमीटर के बाद आपने ये नए दूसरे टायर MRF कौन सा है मॉडल, MRF परफिंजा करके एक मॉडल है MRF का, वो मैंने डाला था। तो वो अभी मैंने कुछ 38,000 पे हमने वो चेंज किया था। ओके, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, या तो 38 था या 48 ऐसा कुछ था, 38-40 के नीचे ही था मुझे पता है। तो वो तब से अभी तक चल रहा है और अभी तक कुछ इशू नहीं है। अभी मेरे को ऑफ लेट थोड़ा फील हो रहा है कि हवा उसमें से थोड़ी ज्यादा कम हो रही है, फ्रीक्वेंसी में कम हो रही है। ओके, तो मे बी शायद अभी और 5,000-6,000 किलोमीटर में ये चेंज होने का टाइम आ गया। तो आपने मीन्स ऑलमोस्ट 60,000 किलोमीटर खींच लिया है, मीन्स अच्छे चला लिया है आपने। अच्छा, ऐसा ऐसा भी नहीं कि गाड़ी वॉर्न आउट हो रही है, टायर कुछ नहीं है, तो वो भी अच्छी बात है कि टायर गाड़ी खा नहीं है, मीन्स प्रॉपर जो टायर का है वो कंजम्पशन प्रॉपर हो रहा है। 60,000 चलिए, मीन्स 60-70 चलना ही चाहिए एक्चुअली टायर, इतना टायर तो चलना चाहिए। करेक्ट, तो वो बच्चा, और कितने डाले थे हमने पैसे वहाँ पे एक टायर कुछ याद है आपको? वो वीडियो में आपको मिल जाएगा एक्चुअली, आपको जो टायर का वीडियो डेडिकेटेड वीडियो है ना उसमें आपको पूरा डिटेल में हमने बना है उसके बारे में आप देख सकते हो। हमें जो अभी जो नया नेक्सॉन आया है उसका लुक आप देखेंगे बहुत जबरदस्त एकदम फ्यूचरिस्टिक लुक आया है, बढ़िया है, तो उसके बारे में आप क्या बोल सकते हैं उसके बारे में? यार वो तो अभी जो डिजाइन लैंग्वेज अभी टाटा का आप जानते ही, वो हर साल नया नया उनका आता ही है, जब ये नई नेक्सॉन उन्होंने लॉन्च करी थी तब ये लुक भी बहुत अच्छा था, यस तो उस हिसाब से मैंने खरीदी थी। बाकी लुक वाइज तो नई गाड़ी बढ़िया है, मेरा एक दोस्त है जिसने अभी ऑफलेट खरीदी है, मैंने ट्राई करी थी। ओके, दिखने में गाड़ी बहुत बढ़िया है एक्सपीरियंस वाइज, लेकिन जितनी ये गाड़ी बढ़िया थी उतनी ही वो भी गाड़ी बढ़िया है। Okay. उसमें और अभी थोड़े बहुत एडेड फीचर्स मिल जाते हैं आपको कॉस्ट में। खैर अभी उसकी कॉस्ट तो बढ़ गई है, तो सभी गाड़ियों की भी कॉस्ट बढ़ गई है, बट अदरवाइज गाड़ी तो मतलब आपको बेस मॉडल में ही बहुत सारे जो अच्छे खासे फीचर्स होते हैं वो मिल जाते हैं नेक्सॉन में। ओके, और आप ये गाड़ी रिकमेंड करेंगे अभी नई नेक्सॉन है, आप जैसे बोल रहे कि ज्यादा कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस हुए हैं लेकिन ओवरऑल गाड़ी वही है, तो ये जो नई नेक्सॉन आप रिकमेंड करेंगे करोगे क्या डीजल में? नहीं तो बिल्कुल 100% ये गाड़ी मैं रेकमेंड करूंगा, मैंने बहुत सारे लोगों को रेकमेंड करी भी है, 2-3 लोगों को खरीदवाई भी है। ओके, तो वो गाड़ी तो मैं 100% रेकमेंड कर रहा हूँ, सिर्फ ये है कि अभी इसका जो कॉस्ट बढ़ गया है वो थोड़ा मेरे को लग रहा है कि अभी थोड़ी ज्यादा कॉस्ट हर एक गाड़ी की, लेकिन वो तो जा ही रही है।
तो आप देख सकते हैं कि अमित जी बहुत हैप्पी है ये गाड़ी के साथ। उनका जो 5 साल का एक्सपीरियंस है वो कुछ दिक्कत तो आई नहीं जैसे आप देख रहे हैं, जैसे उसका एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आया है। तो यही एक वीडियो था हमारा, और एक जल्दी ही मिलते हैं और एक नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू सून।